हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट एन ईएससी मैकेनिकल इंटेंट। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और आज मैं जो आपको पढ़ाने जा रहा हूँ दैट इज़ अ हुक्स लॉ, हुक्स लॉ एंड यंग्स मॉडुलस के बारे में दोस्तों आज हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं लेक्चर की। दोस्तों, ये स्लाइड मेरा लिटिल इंट्रोडक्शन है। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप मुझे इस लिंक पर फॉलो कर सकते हैं। ये लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। इसके अलावा मैंने कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन किया हुआ है, आप मुझे इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं यहाँ पर मुझे मेल आई डी पर। ठीक है फ्रेंड्स, कोई भी प्रॉब्लम आती है यू आर फ्री टू कॉल मी। नाउ शुरुआत करते हैं दोस्तों लेक्चर की हुक्स लॉ। तो हुक्स लॉ क्या है? हुक्स लॉ स्टेट्स दैट स्ट्रेस वेरीज लीनियरली विद इन द लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। स्ट्रेस वेरी लीनियरली विद इन द लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। माइंड इट प्लीज दोस्तों, काफ़ी सारी बुक्स इसको इलास्टिक लिमिट बोलते हैं कि स्ट्रेस वेरीज लीनियरली विद इन इलास्टिक लिमिट। नहीं, तो स्ट्रेस वेरीज लीनियरली विद इन द लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी किसके साथ? विद स्ट्रेन। तो स्ट्रेस वेरीज लीनियरली विद स्ट्रेन कहाँ तक? विद इन इलास्टिक लिमिट। माइंड इट प्लीज, विद इन लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। दोस्तों ध्यान रखना, काफ़ी सारी बुक्स में, काफ़ी सारी जगह पे इसको इलास्टिक लिमिट तक बताया गया है। वो भी सही आंसर है, बट द रियल आंसर इज प्रोपोर्शनल लिमिट। आप सेकेंडरी चॉइस रखेंगे इलास्टिक लिमिट को। अगर ऑप्शन में अगर कोई क्वेश्चन आता है कि हुक्स लॉ इज वैलिड अप टू, अब ऑप्शन में इलास्टिक लिमिट भी अवेलेबल है और प्रोपोर्शनल लिमिट भी अवेलेबल है, तो आपको प्रोपोर्शनल लिमिट को टिक करना है, ना कि इलास्टिक लिमिट को। उसका रीजन बताता हूँ क्यों। दोस्तों, ये जो लॉ ये बोल रहा है स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, यानी कि एक लीनियर लॉ को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर स्ट्रेन की पावर क्या है? 1, यानी कि लीनियर लाइन बन रही, एक लीनियर रिलेशन शो हो रहा है यहाँ पर, है ना। लीनियर रिलेशन यानी कि स्ट्रेट लाइन बननी चाहिए। और मेरे बच्चों, जो स्ट्रेट लाइन होती है वो के, और यहाँ पर डायग्राम देखिए, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। तो अगर आप स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम देखोगे तो यू विल गेट कि जो लीनियरिटी होती है वो केवल इस स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में प्रोपोर्शनल लिमिट तक ही होती है। उसके बाद ये डायग्राम कर्व बनने लगता है। माइंड इट प्लीज, मतलब आफ्टर प्रोपोर्शनल लिमिट अगर हम देखें तो ये डायग्राम कुछ इस तरह से, मान के चलो ये हो गई हमारी इलास्टिक लिमिट, प्रोपोर्शनल लिमिट। आफ्टर द प्रोपोर्शनल लिमिट दिस विल बी कर्व, इट्स समथिंग लाइक कर्व, कर्वेचर है। और अगर ये कर्वेचर, तो फिर लीनियर कहाँ हुआ? एक कर्व है तो फिर लीनियर कहाँ हुआ? इसलिए दोस्तों, जो हुक्स लॉ एक्चुअली होल्ड होता है कहाँ तक होता है? प्रोपोर्शनल लिमिट तक, ना कि इलास्टिक लिमिट तक। तो प्रोपोर्शनल लिमिट आपका राइट आंसर है। इलास्टिक लिमिट तब यूज करना है आपको जब आपके ऑप्शन में वो नहीं है। अब दोस्तों, मुद्दा यह कि क्यों भाई बहुत सारी जगह पर इसको इलास्टिक लिमिट बोला गया है? वो ऐसा इसलिए दोस्तों, बिकॉज बोथ ऑफ दीज लिमिट आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। एक्चुअली मैं इसको जरूर ब्रॉडर स्केल पे आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, बट अगर ये प्रोपोर्शनल लिमिट है और ये अगर इलास्टिक लिमिट है, ये दोनों ऐसा नहीं दूर दूर होती है, बहुत पास पास होती है। इसलिए बोथ ऑफ दीज लिमिट कैन बी यूज इंटरचेंजेबली। इन दोनों लिमिट्स को हम इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि हुक्स लॉ कहाँ तक वैलिड है? प्रोपोर्शनल लिमिट तक। तो प्रोपोर्शनल लिमिट विल बी योर फर्स्ट चॉइस एंड देयर आफ्टर सेकेंड चॉइस विल बी इलास्टिक लिमिट, वो भी तब जब आपके ऑप्शन में मेंशन नहीं है, आपके ऑप्शन में प्रोपोर्शनल लिमिट नहीं दिया गया है। चलिए, तो दोस्तों, वेयर सिग्मा इज द स्ट्रेस इंड्यूस एंड एप्साइलन इज द स्ट्रेन। तो जितनी ज़्यादा स्ट्रेन होगी उतने ही ज़्यादा स्ट्रेस होगा, ठीक है। नाउ व्हाट इज द यंग्स मॉडुलस? तो उसी हुक्स लॉ को अगर हम ओपन करें, यानी कि प्रोपोर्शनलिटी साइन को अगर हम यहाँ से हटाएं, तो विद रेफरेंस टू द अबव इक्वेशन रिमूविंग द प्रोपोर्शनलिटी साइन वी विल गेट कॉन्स्टेंट दैट इज ई, विच इज टर्म्ड एज यंग्स मॉडुलस। तो दोस्तों, जैसे हम इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे, यहाँ पे एक कॉन्स्टेंट आ जाएगा, दिस कॉन्स्टेंट इज ई। तो ई इज द यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। नाउ क्वेश्चन इज दैट कि ये होता क्या है साहब, ये यंग्स मॉडुलस इलास्टिसिटी होता क्या है? तो उसके लिए मैं आपको आगे वीडियो में पूरा डिटेल में समझाऊंगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द यंग्स मॉडुलस इलास्टिसिटी। फिलहाल अभी इतना समझना आपको कि ये एक तरह की स्टिफनेस को शो करता है। किसको शो करता है? स्टिफनेस को, ये स्टिफनेस को बताता है, ठीक है फ्रेंड्स। सो वेयर इज द यंग्स मॉडुलस? सिग्मा इज एज इट इज स्ट्रेस इंड्यूस्ड एंड एप्सिलॉन इज द स्ट्रेन, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये छोटा सा टॉपिक था आज, तो हुक्स लॉ के बारे में आपको पता चला। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है बेटा, ऑब्जेक्टिव पेपर्स जो होते हैं आप लोगों के, पीएसयू का एग्जाम हो गया, जेई का एग्जाम हो गया, तो काफ़ी सारी जगह क्वेश्चन पूछा जाता है। तो याद रखना है, प्रोपोर्शनलिटी इन लिमिट विल बी योर फर्स्ट चॉइस। बाकी जिनको डिटेल में पढ़ाई करनी है दोस्तों, यू कैन जॉइन मी ऑन द अकेडमी प्लस बाई यूजिंग माई कोड GPS लाइव। आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं GPS लाइव, ठीक है फ्रेंड्स।
और उसके क्या बेनिफिट्स हैं वो मैंने यहाँ लिखे हुए हैं। दीज आर द बेनिफिट्स जो आपको मेरे कोड से मिलेंगे। तो मेरा कोड यूज़ करिएगा आप एक बेहतर गाइडलाइन के लिए और ना कि 10% के डिस्काउंट के लिए। वो तो मिलना ही है आपको। इफ़ यू यूज़ माई कोड जी पी एस लाइव तो वो तो 10% का डिस्काउंट मिलेगा ही मिलेगा आपको। जी पी एस लाइव कोड पर आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। बट अगर आप मेरा कोड यूज़ कर रहे हैं तो आप इसलिए यूज़ मत करो कि 10% का डिस्काउंट है, मुझसे ले लेना आप। आपको कोड इसलिए यूज़ करना है कि सर आप हमें कितनी गाइडलाइन देंगे, क्या आप हमारा पढ़ाई में साथ देंगे, क्या सर आप हमें कुछ प्रोवाइड करवाएंगे। तो यस बेटा, मैं आपका साथ हमेशा दूंगा, आप हमेशा अपनी प्रिपरेशन मुझे अपने साथ पाएंगे। तो जस्ट रिमेंबर माई कोड जी पी एस लाइव टू गेट 10% डिस्काउंट एंड टू गेट अ गुड मेंटरशिप। ठीक है, गुड मेंटरशिप आपको मिलेगी, आपको मैं अकेला नहीं छोड़ूंगा पूरी प्रिपरेशन के दौरान, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। ठीक है फ्रेंड, चलिए बाकी जो मैंने समझाया आज आपको ओक्स लॉ के बारे में, तो वो अगर थोड़ा बहुत समझ में आया है आपके तो बेटा आप लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और क्योंकि नया चैनल हमारा कुछ ही दिन पहले बनाया था हम लोगों ने ये, और इसके काफ़ी फ़ायदे होंगे आपको आगे जाके, क्योंकि जब आप अपनी प्रिपरेशन पूरी कर लेंगे तो आपको वो जो बड़े बड़े वीडियो होते हैं 3-3 घंटे के वो नहीं देखने होंगे आपको, फिर यही देखना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मुलाकात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।